परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल, सीसीटीवी कैमरे पर लगाई पट्टियां, उत्कृष्ट हार सेकेंडरी स्कूल उदयपुरा में लगे सीसीटीवी कैमरे में चिपकाई पट्टी, पालकों ने लगाया परीक्षा केंद्र अध्यक्ष पर नकल कराने का आरोप, कक्षा 10वीं 12वीं की चल रही है परीक्षा, सीसीटीवी कैमरे में पट्टी चिपकाने से परीक्षा की पारदर्शिता पर उठे सवाल। प्रभारी प्राचार्य ने कहा कि केंद्र अध्यक्ष ने परीक्षा के दौरान चिपकाई पट्टियां, कक्षा 12वीं के अंग्रेजी के पेपर के दौरान उत्कृष्ट विद्यालय के परीक्षा केंद्र में लगे सीसीटीवी कैमरों में कागज के टेप से बंद कर परीक्षा कराने का मामला सामने आया है। उत्कृष्ट विद्यालय में करीब 16 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। शनिवार को कक्षा 12वीं का पेपर के दौरान परीक्षा केंद्र में कक्षा में लगे सीसीटीवी कैमरों पर टेप लगाकर बंद करा दिया गया। यहां के अध्यक्ष के निर्देश पर बंद किया गया, वही बरामद बाहरी कैंपस में लगे सीसीटीवी कैमरे चालू रखे गए। परीक्षा केंद्र में कैमरों को बंद कराकर 12वीं के सामान्य अंग्रेजी का पेपर कराया गया। इस विषय में जब केंद्र अध्यक्ष पीके निखरा से चर्चा करनी चाहिए तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। विगत दो दिवस से मैंने भी अचानक रूम में जाकर देखा तो सीसीटीवी कैमरों पर टैप चिपका हुआ था, परंतु यहाँ परीक्षाएं डीलिंग केंद्र अध्यक्ष करता है और केंद्र अध्यक्ष निखरा जी ही पूरी परीक्षाएं डीलिंग करते हैं, इसलिए मैंने इस विषय में कुछ भी कहना उनसे उचित नहीं समझा। चूँकि वर्तमान में प्रभारी हूँ, परंतु परीक्षा वो ही संपन्न कर। मैं अपना सीएस का कार्य कर रहा हूँ जी। आपके यहाँ पे जो कैमरे लगे हुए थे कमरों के अंदर सीसीटीवी कैमरे, उन कैमरों पे आपके द्वारा पट्टियाँ चिपका दी गई हैं और परिजनों का आरोप है, पालकों का आरोप है कि अंदर नकल कराई जा रही है, तो ये क्या है? मैंने जो है डीओ साहब के आदेश से ये कैमरे बंद किए हैं। क्या कहा था डीओ साहब ने आपसे? कैमरे बंद करने की उन्होंने अनुमति दी है, मैंने बंद किए हैं। जतारा से हमारे संवाददाता नीरेंद्र चौबे की रिपोर्ट। देवराहा गांव में आज सुबह महिला की करंट लगने से मौत। रामकिशोर अहरवार की पत्नी ने पानी भरने के लिए घर में लगा जेट पंप चालू किया तो करंट लगा, तुरंत ही अस्पताल ले जा रहे थे, रास्ते में दम तोड़ दिया। अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने मेडिकल चेकअप के बाद मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पंचनामा बनाकर सबको पीएम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की गंभीरता से जाँच कर रही है। सरी जो महिला आई है इसकी मौत कैसे हुई? ये देवरा की महिला आई है, नाम पूजा अहरवार, इसका वाइफ ऑफ कसूर अहरवार। इसको अस्पताल में मृतक अवस्था में लाया गया। इसकी लगभग लाने के डेढ़ घंटे पहले करंट लगने से मौत हुई है। इसकी पुलिस सूचना भेज दी गई है और पोस्टमार्टम चल रहा है।